एक बिटिया की हत्या हो जाती है लेकिन सांसद के कान पे नहीं रहती है। न सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, न ही उस परिवार को कोई भी सहयोग दिया जाता है। उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके पर्सनल वीडियोस बनाए गए, उसकी हत्या कर दी गई। यूपी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, एटा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यूपी में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलिस भी पीड़ित को न्याय दिलाने में असमर्थ नजर आ रही है। मामला क्या है ये हम आपको बताते हैं। एटा में कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब प्रशासन द्वारा इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये एक शर्मसार वाली बात है कि अगर ऐसे में प्रशासन ही ऐसा काम करेगा तो जरा सोचिए कि आम आदमी किससे अपने न्याय की उम्मीद करेगा। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे राष्ट्रीय स्वर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरिया ने परिवार को आश्वासन दिया और सरकार से न्याय दिलाने के साथ साथ पीड़ित परिवार को 30 लाख मुआवजा देने की मांग की और कहा कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाए, सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए और परिवार को हथियार का लाइसेंस दिया जाए, अन्यथा पूरा स्वर समाज भारत में आंदोलन करेगा। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। परिवार को डराया जा रहा है, मैंने देख लिया, प्रशासन परिवार पर दबाव बना रहा है। मतलब कोई जो सबूत थे, जो साक्ष्य थे वो छुपा लिए गए। लैपटॉप में जो साक्ष्य है वो सामने सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? बेटी के जो चिन्हित फोटो थे वो इन्होंने सार्वजनिक क्यों नहीं किए? क्या होने चाहिए थे? मतलब शासन प्रशासन मिला हुआ है। विधायक जी को बताया कि आपत्तिजनक फोटो थे उसमें, फिर क्यों नहीं दिखाई मुझे? हमें नहीं दिखाए गए। BM साहब ने इस परिवार को सुरक्षा दी? बिल्कुल नहीं। इस परिवार, इसके साथ अगर कोई घटना हो जाए तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? DM साहब हमें अंदर आने का आदेश नहीं दे रहे हैं। हमारे घर आए DM साहब, हमारी बेटी चली गई। अगर DM साहब यहाँ पे नहीं आते हैं, SP साहब यहाँ नहीं आते, हम उनके घर पे जाके धरना देंगे। हमें अंदर जाना ही है। नहीं, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, हम जाएंगे और जितनी गिरफ्तारियाँ चाहिए वो स्टार्ट हो जाएंगी आज से ही। आप प्रारंभ करिए। अगर कोई साबित करना चाह रहा है, मैं ऊपर से कूद के जान दे सकती हूँ अपनी। लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या करी है मेरी लड़की ने, मैं माँ हूँ, मैं कूद सकती हूँ। इनका घर कहाँ है? DM साहब का वही बैठे ना, तो आ जाना चाहिए था। DM साहब है नहीं सर, होते तुरंत आ जाते थे। दूसरे SP साहब कहाँ है? क्या तो बुलवा रहे, उसी के लिए बुलवा रहे हैं, किसी को आप ले जैसे आदेश दिया वैसे ही बुलवा रहे हैं। और यहाँ के सांसद महोदय, सुना है सांसद महोदय यहाँ पे जब से जीते हैं तब से आई नहीं है। सुना है सांसद महोदय यहाँ पे जब से जीते हैं तब से आई नहीं है। सुना है सांसद महोदय यहाँ पे जब से जीते हैं तब से आई नहीं है। एक बिटिया का बलात्कार हो जाता है, एक बिटिया की हत्या हो जाती है लेकिन सांसद के कान पे नहीं रहती। ऐसे सांसद को केवल शर्म आनी चाहिए। क्या उसकी बेटी के साथ, उसकी बहू के साथ आज अगर ऐसा होता तो वो ऐसे ही घर में बैठा होता क्या? एक भैंस की चोरी पे यहाँ पे हादसे हो जाते हैं, मोदी जी के एक बिटिया के पर्स की चोरी पे पूरा देश हिल जाता है, लेकिन एक बेटी, क्योंकि ब्राह्मण की बेटी थी, एक सवर्ण समाज की उस खंड से आती थी, उस ब्राह्मण समाज से जिसके पास वोट बैंक ज्यादा नहीं है, जिसके पास लोग क्षमता में इकट्ठे नहीं होते, इसलिए आज वो आज माँ उत्पीड़न सह रही है इस पुलिस प्रशासन का। ये एटा है, ये उस बेटी की हत्या का शहर है जहां पे न तो शासन जागता है न प्रशासन जागता है। आज आप देखिए कि उस बेटी की माँ है। इस शहर के लोगों का सीना नहीं थर्राया, इस शहर के लोगों का सीना नहीं थर्राया, इस शहर के लोगों का सीना नहीं थर्राया, हृदय नहीं कांपा, क्योंकि वह एक ब्राह्मण की बेटी थी। वह उस सवर्ण समाज के उस कोने से आती थी, क्योंकि वह एक निर्धन ब्राह्मण है। यहाँ पे BJP का शासन है, समाजवादी पार्टी का भी वर्चस्व है, तमाम नेता आते हैं, तमाम नेता जाते हैं,
लेकिन कोई भी नहीं देता। इस मां के आंसू पहुंचने नहीं आया क्यों? मैं पूछना चाहता हूं राजवीर सिंह राजपूत जी से, क्यों नहीं आए? क्योंकि ये एक ब्राह्मण परिवार है, एक गरीब परिवार है, शर्म नहीं आती? और उन देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आज ये खुशी की यहां पे हत्या हुई है या बलात्कार हुआ है, लेकिन आप उस नींद से नहीं जागोगे, क्योंकि यह एक ब्राह्मण की बेटी है, क्योंकि यह एक ब्राह्मण की बेटी है, क्योंकि यह एक ब्राह्मण की बेटी है। और मैं उस ब्राह्मण के समाज के पे, उस ब्राह्मण समाज के चेहरे पे थूकना चाहूंगा जो आज भी अपनी नींद से नहीं जाग रहे। और उस समाज से प्रश्न करना चाहूंगा, दोषी कोई भी हो, आज आपके पूरे भारत की क्या इस बेटी की मां को आवश्यकता है या नहीं? क्या आपके आंखों में आंसू नहीं आते? मात्र 14 वर्ष की सोचिए, आपकी भी बेटी हो सकती थी, आपकी भी बच्ची हो सकती थी, मात्र 14 वर्ष की बेटी, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके पर्सनल वीडियोस बनाए गए, उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन आज आप देखिए, न शासन एक्टिव है, न प्रशासन एक्टिव है, एक भी व्यक्ति आज तक कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आया। क्या राजू भैया इसीलिए सांसद बने थे? इस क्षेत्र से 3-3 सांसद है, तमाम विधायक है। आज आप बेटा आए हैं और डीएम साहब का आवास का घेरा हो गया, क्या बात है, क्या मामला है ये पूरा? यहाँ पे 26 तारीख से एक बिटिया की हत्या कर दी जाती है, सवर समाज के अभिन्न अंग, देश का नेतृत्व करने वाले ब्राह्मण परिवार की एक बेटी की हत्या हो जाती है, लेकिन न शासन जागता है, न प्रशासन जागता है, न कोई भी सांसद विधायक अभी तक मिलने आया इस परिवार से। आप सोचिए कितनी गंभीर विषय है, और साक्ष्य दबा लिए जाते हैं प्रशासन द्वारा, न सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, नहीं उस परिवार को कोई भी सहयोग दिया जाता है। क्या डीएम साहब ने आपसे मुलाकात करी? डीएम साहब यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बताया गया है कि उन्हें कोरोना है, उनकी अनुपस्थिति में एडीएम साहब आए, मैंने मांग की है तुरंत तत्काल परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और उसके द्वारा उसके बाद इनको शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, और 30 लाख परिवार को आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी, और जो भी दोषी है उसे तुरंत फांसी के लिए तैयार किया जाए फास्टैग मुकदमे के द्वारा। उन्होंने सारी मांगे पूरी मांग ली गई है, और उन्होंने बोला है कि जैसे भी आपने जो मांगे रखी है वो पूरी मान ली गई है, उन्हें माना जाएगा। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN News।